स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि अगर आप गोवा में आ रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप गोवा में आने के बाद रहोगे कहाँ पे। ओके, मतलब रूम की प्रॉब्लम। तो हम आपको जो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूम रिलेटेड प्लस जॉब रिलेटेड बात करने वाले हैं। बने रहो वीडियो के एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, काफ़ी आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसकी मैं सोल्यूशन भी देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो, मज़ा आएगा वीडियो में, एंड तक बने रहो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप गोवा में आना चाहते हो तो आपको रूम चाहिए। तो रूम आपको कैसे मिलेगा, आपका तो कोई पहचान का यहाँ पर है नहीं। अगर आपका कोई पहचान का है भी, आप उससे हेल्प लेना नहीं चाहते या फिर वो आपका हेल्प करना नहीं चाहता, कुछ बहाने बना देता है, रूम अभी खाली नहीं है, रूम का पैसा इतना देना पड़ेगा, तो रूम में अभी लड़के ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने होते हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका कोई पहचान का ही ना हो, फर्स्ट टाइम आप गोवा में आ रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव या फिर दोस्त फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनसे हेल्प लेना नहीं चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी वजह होती है जो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर डायरेक्टली आप जाकर के वहाँ पर रूम प्लस जॉब ले करके आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो लाइफ में, कुछ करना चाहते हो आप, तो मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को अगर रूम की प्रॉब्लम होती है, जॉब की प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम सभी के सभी लोगों को, हमारे देश के जितने भी 150 करोड़ लोग हैं उनको सबको तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी हो सकता है एक दो लोगों को पकड़ के, एक लोगों को भी अगर हेल्प किया तो मेरे लिए बहुत बात है। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल अभी 2 2 BHK, 1 1 BHK, क्या 2 2 2 BHK, 1 1 BHK रूम है, जिसमें हम आप जैसे लोगों को यहाँ पर बुला करके हेल्प करते हैं, उसमें कुछ हमारी भी हेल्प हो जाती है फाइनेंशली। कैसी फाइनेंशली? आपसे कुछ पैसे मिलते हैं तो हमें भी कुछ फाइनेंशली मजबूती देता है, और आप लोगों को भी इजी तरीके से रूम मिल जाता है। पर पर्सन मैं 2000 रुपया चार्ज करता हूँ। रूम में आपको गैस विथ जो भी पकाने वगैरह की सामान रहती है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। पर पर्सन 2000 रुपया लेन आपसे मैं चार्ज करता हूँ, तो उसमें आपको विथ गैस मिल जाता है। ओके, मैंने 2 बार रिपीट किया, इतना तो आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि आप अगर जब नए भी आते हो गोवा में तो आपको सबसे मुश्किल होता है रूम ढूंढना, बाद में रूम मिल भी गया तो उसमें गैस बर्तन वगैरह सब सामान अरेंज करना, उसमें काफ़ी पैसे आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो किसी भी बंदे के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। अगर घर से बंदा आ रहा है गोवा में या फिर आउट ऑफ गोवा कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो कमाने के लिए, तो क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम गोवा में आया था तो मैं 1500 रुपये लेकर के आया था गोवा में, वो भी 500 रुपये दूसरे से हेल्प लेकर के, कर्ज लेकर के आया था, तो इतने पास किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। तो आप लोगों को इसमें इजी तरीके से हेल्प हो जाएगी, अगर आप चाहते हो आ जाओ हमसे हेल्प ले सकते हो, हम आपको रूम प्रोवाइड करेंगे। पर पर्सन 2000 रुपये चार्ज करता हूँ, पर आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना रह सकते हो वहाँ रूम में, रह के आप खुद अपना सेल्फ खाना बना सकते हो, या फिर 4 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ जिनके साथ आपका जमती है उनके साथ आप खाना बना खा सकते हो और जॉब कर सकते हो। रही बात जॉब की, तो जॉब भी हमारे पास हैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग फील्ड में हर तरह की जॉब है, पैकिंग की जॉब है, प्रोडक्शन की जॉब है, हाउसकीपिंग की जॉब है, होटल की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, IT डिप्लोमा लोगों के लिए जॉब है, वो वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है, हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, 15 दिन रहेगा 15 दिन नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, जो भी जॉब मिलता है 10000 रुपये की सही, 10000 रुपये की जॉब पकड़ो, वो जॉब करते हुए 10000 12000 15000 20000 जो भी आपकी कैपेसिटी है या फिर जिस तरह से आपके अंदर एबिलिटी है उस हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो जॉब है उस जॉब को करते हुए दूसरी जॉब को सर्च करना है, ये नहीं कि रूम में आप बैठे हो और जो दूसरी जॉब सर्च कर रहे हो, नहीं, आप रूम में हो, आप एक 10000 की ही जॉब सही, लेकिन 10000 की जॉब पकड़ लो, बाद में रूम या फिर दूसरा जॉब सर्च करो। ओके, आई होप आप लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आप लोगों को आया होगा इजी तरीके से, और कुछ समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं रूम प्रोवाइड कर रहा हूँ, काम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके,
आप यहाँ पर हमारे पास रुको, आओ रूम में रुको, आप सेल्फ खुद भी जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है, और हम जो जॉब प्रोवाइड करते हैं वो भी आप जॉब ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सिर्फ मैं एक रूम या भर जॉब सिर्फ बैचलर के लिए प्रोवाइड करता हूँ, लेडीज़ भी आ सकती हैं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहेगी। लेडीज़ के लिए रूम नहीं है, फैमिली को लिए वालों के लिए रूम नहीं है, सिर्फ बैचलर के लिए जो भी लड़के हैं वो हमारे पास हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी चाहिए तो आप जाओ चैनल के अबाउट में, वहाँ से हमारा नंबर ले लो, वहाँ से हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो हमें इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना, जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल वीडियो हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपकी लाइफ में इसी तरह से एक नई नई वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, कुछ सलाह सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, एक कमेंट कर दो प्यारा सा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।